दोस्तों लेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स को क्लासिकल वर्क्स पढ़ने का बहुत शौक था अपने लिटरेचर के शुरुआती करियर में, जैसे ग्रीक और रोमन वर्क्स, होमर के वर्क्स। तो उस वक्त इनको अनफॉर्चुनेटली इन भाषाओं पर, इन लैंग्वेजेस पर पकड़ नहीं थी, जैसे कि ग्रीक और रोमन लैंग्वेज हो गई, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से थे, बाद में लिटरेचर में आए थे। तो इन्होंने ट्रांसलेशंस को पढ़ना शुरू किया, जैसे अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशन, और एलिजाबेथन एज में एक पोएट थे जॉर्ज चैपमैन, ये एक पोएट भी थे, प्लेराइट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। तो उनके वर्क्स को पढ़ना इन्होंने शुरू किया। जब उनके वर्क्स को इन्होंने पढ़ा, उनकी ट्रांसलेशंस को इन्होंने पढ़ा, जो ग्रीक ट्रांसलेशंस थी, उनको पढ़ने के बाद में इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद में इन्होंने ये एक पोएम लिख डाली जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर। जॉर्ज चैपमैन के लिए लिखी है कि उन्होंने कितना अच्छा ट्रांसलेट किया था। ये लिटरेचर के शुरुआती करियर की पोएम है जॉन कीट्स के। और दोस्तों ये एक सोनेट है, इसके अंदर क्या क्या बताया है जॉन कीट्स ने, लिटरेचर की पावर को बताया है कि लिटरेचर आपको क्या क्या फील करवा सकता है, वो सब आगे हम देखेंगे जब हम पोएम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जॉन कीट्स को क्लासिकल वर्क्स पढ़ने का बहुत शौक था, जैसे ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क्स, लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क्स, होमर, वर्जिल, ऐसे बड़े बड़े वर्क्स पढ़ने का शौक था। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज पर जॉन कीट्स की इतनी पकड़ नहीं थी, तो उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़ना शुरू किया, जैसे अलेक्जेंडर पोप का ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसमें उनको इतना मज़ा नहीं आया। तो एलिजाबेथन एज में, उनसे पहले की एज में, एलिजाबेथन एज में एक पोएट थे जॉर्ज चैपमैन, दोस्तों बहुत ही फेमस पोएट थे ये। तो उन्होंने होमर के वर्क्स का ट्रांसलेशन किया। तो जॉन कीट्स जब 20 साल के थे, मतलब कि उनकी करियर के शुरुआती टाइम में, उन्होंने जॉर्ज चैपमैन की इस ट्रांसलेशंस को पढ़ा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ, तो उन्होंने एक सोनेट लिख डाली इस पर, जिस सोनेट का नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो ये वो हमारी छोटी सी पोएम है, ये 14 लाइनों की है। इसका मतलब ये है कि ये एक सोनेट है। इसकी फर्स्ट लाइन में कीट्स बोलते हैं, मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द रैल्म्स ऑफ गोल्ड। इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर पोएट जॉन कीट्स बोलते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर सफ़र किया है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड था, खजाना था, ऐसे ऐसे रैल्स में, यानी कि ऐसे ऐसे राज्यों में मैंने सफ़र किया है, ट्रैवल किया है। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन, इसका मतलब यह है कि मैंने बहुत सारे स्टेट्स को, कंट्रीज़ को और किंगडम्स को देखा है। आई होप इन दो लाइनों का मतलब क्लियर है। आगे की लाइनों में बोलते हैं, राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई सीन, इसका मतलब यह है कि मैं वेस्ट की तरफ भी गया हूँ, वेस्ट की तरफ जो आइलैंड्स हैं उसमें भी गया हूँ, समुद्र के रास्ते, आइलैंड है तो ऑफकोर्स समुद्र के रास्ते ही जाओगे। आगे बोलते हैं, विच बार्स इन फील्टी टू अपोलो होल्ड, इस लाइन का मतलब यह है कि जो वेस्ट के आइलैंड्स में मैं गया समुद्र के रास्ते, वहाँ पर जो बार्ड्स हैं, यानी कि पोएट्स हैं वहाँ के, वो सारे पोएट्स, वो सारे बार्ड्स ग्रीक गॉड अपोलो के लिए बहुत लॉयल हैं। यहाँ पर दोस्तों फील्टी का मतलब है लॉयल हैं, ये फील्टी का मतलब है लॉयल। वैसे ये स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए थी, एफ ई ए एल आई टी वाई, ऑफ्ट ऑफ वन वाइल्ड एक्सपेंस हैड आई बीन टूल्ड, इस लाइन का मतलब ये है, मैंने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बहुत तारीफ सुनी है, अक्सर मैंने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बहुत तारीफ सुनी है। दैट डीप ब्राउड होमर रूल्ड एज हिज डिमेसन, तो इस लाइन का मतलब ये है, इन दो लाइनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बहुत तारीफ सुनी है एक जीनियस ग्रेट पोएट होमर से, येट डिड आई नेवर ब्रेथ इट्स प्योर सीनरी, इस लाइन का मतलब ये है कि इस सीनरी को, यानी कि इस वर्ल्ड को कभी भी सच में जिंदगी नहीं मिलती, अगर जब तक, टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक चैपमैन ने, जॉर्ज चैपमैन ने होमर के वर्क्स के ट्रांसलेशन नहीं किए होते। ऐसा लगता है जैसे जॉर्ज चैपमैन ने बहुत ही लाउडली और प्राउडली, बोल्डली बोला है मुझसे इन वर्क्स के जरिए। देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काइज, तो इन ट्रांसलेशंस को पढ़कर, जो होमर के ट्रांसलेशन वर्क्स के ट्रांसलेशन किए गए हैं, इनको पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक एस्ट्रोनॉमर बन गया हूँ, वॉचर ऑफ स्काइज बन गया हूँ। व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम इनटू हिज कैन, और ऐसा लगता है जैसे मैंने एक नए प्लैनेट के बारे में जान लिया हो। और लाइक स्ट्राउट कॉटेज, व्हेन विथ ईगल आइज
ही स्टार्ड एट द पैसिफिक। इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने कॉटेज की तरह एक्सप्लोर कर लिए हैं, मतलब कई सारी जगह को एक्सप्लोर कर लिया है और एक्सपीरियंस किया है पैसिफिक ओशियन को, जब वो देखता है तो अपनी ईगल आइज से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विथ अ वाइल्ड सरमाइज, और उसके साथ के जितने भी लोग थे उसके मैन, वो एक दूसरे को देखते हैं। अब लास्ट वाली लाइन में बोलते हैं, साइलेंट अपॉन अ पीक इन डरिन, और पनामा के पास में माउंटेन डरिन के पीक पर वो खड़ा हो। तो आई होप ये पोइम आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर ऑफकोर्स जॉन कीट्स ने लिटरेचर की पावर को दिखाने की कोशिश की है कि लिटरेचर की पावर क्या है, आपको क्या क्या फील करवा सकता है लिटरेचर। और इस पोएम को द एग्जामिनर नाम के जर्नल में पब्लिश करवाया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।